चलिए अब बात करेंगे रोशनी के त्योहार दीपावली की। देश भर में दीपावली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ये पर्व विशेष परंपरा के साथ आरंभ होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर में सबसे पहले दीपावली का पर्व मनाने की परंपरा है। आज भस्म आरती में भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना कर दीपावली का शुभारंभ किया गया। बता दें कि सुबह सुबह भगवान महाकाल को गर्म जल से स्नान कराकर उपटन लगाया गया और पंचामृत अभिषेक के बाद भस्म आरती अर्पित की गई है, और इसके बाद भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार कर उन्हें अन्नकूट का भोग भी लगाया गया। भस्म आरती के दौरान मंदिर के महेश पुजारी और श्रद्धालु ने फुलझड़ियां जलाकर दीपावली का पर्व मनाया। इस अनूठे आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दरबार पहुंचते हैं। तो उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में दीपावली कैसे मनाई गई है ये आप देख सकते हैं। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, पूरे देश में ही दीपावली की शुरुआत तब होती है जब हम बाबा महाकाल के दरबार में दीपावली मनाते हैं, फुलझड़ियां जलाते हैं। आज कितनी रौनक? ये देखिए, 12 ज्योतिर्लिंगों से एक महाकालेश्वर मंदिर में प्रातःकाल जो है भगवान महाकाल को गर्म जल से स्नान कराया गया, इसके बाद उत्तन लगाया गया, अन्नकूट का भोग लगाया गया और एक फुलझड़ी जलाकर जो है दीपावली पर्व की शुरुआत की गई है। अब दीपावली का पर्व पूरे देश भर में मनाया जाएगा। इस वक्त में जो हूँ यहाँ उज्जैन की गजलक्ष्मी मंदिर है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। नोटों से सजाया गया है इस मंदिर को और गजलक्ष्मी यानी हाथी पे सवार है लक्ष्मी जी, और यहाँ पर दर्शन करने से जो है घर में धन की और इस्मत की और तमाम प्रकार की सुख समृद्धि वगैरह जो रहती है वो माता के आशीर्वाद से मिलती है। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु से बात करेंगे। आप बताइए, जिस तरीके से आज दीपावली की शुरुआत हुई है कैसा लग रहा है? यहाँ पर दीपावली की शुरुआत में बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बाबा महाकाल की नगरी से बोल रही है, धार्मिक नगरी है, और इसमें जैसे महाकाल को सुबह स्नान कराया गया, उपटन से स्नान किया गया और पूजा अर्चना की गई, अन्नकूट का भोग लगाया गया है और वहां पर फुलझड़ी जला करके प्रातः काल की शुरुआत की गई। ये मात्र एकमात्र ऐसा गजलक्ष्मी मंदिर है जहाँ पर 15 सालों से मैं यहाँ आ रही हूँ। यहाँ पर दुग्ध अभिषेक होता है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर कि गजलक्ष्मी माता का दुग्ध अभिषेक किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है, और माता माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना की जाती है कि सभी के घर में दीपावली के पर्व के साथ साथ सभी के घर में धन धान्य से संपन्न हो। देखिए, धन धान की कामना की जा रही है। आप बताइए, किस तरीके से दीपावली के पर्व की शुरुआत उज्जैन से की गई? देखिए, हम बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जहाँ भगवान महाकाल विराजमान है। उज्जैन बहुत अलौकिक नगरी है जहाँ भगवान स्वयं विराजमान है। सबसे पहले भगवान की भस्म आरती हुई, वहाँ दीपावली का उत्सव मनाया गया, फिर हमने वहाँ दर्शन पूजन किया, उसके बाद हम यहाँ उज्जैन के माँ गजलक्ष्मी का मंदिर है जहाँ पे हम लोगों ने सपरिवार पूजन अर्चन किया, दूध का अभिषेक किया और माँ से कामना की कि सब लोगों के जीवन में धन ध्यान दे। और एकमात्र अलौकिक प्रतिमा है माँ लक्ष्मी की पूरे दुनिया भर में, देश भर में, जो गज के ऊपर हाथी के ऊपर सवार है। माँ लक्ष्मी की संगमरमर की प्रतिमा है ये। बिल्कुल अजय, तो रौनक है बाबा महाकाल की नगरी में। श्रद्धालु खुश है और आज क्योंकि गजलक्ष्मी के दर्शन भी हो रहे हैं तो और भी ज्यादा श्रद्धालु जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। तो दीपावली का ये उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।